अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस हमने इस प्लाट के ऊपर काम किया है, ये अब प्लाट हमारा फाइनल हो गया, अभी ये कम्प्लीशन के ऊपर है। कराची बैरियर रोड प्रिजन फॉर्म में है ये। मैं आपको इसके डिज़ाइन भी दिखाता हूँ और फॉर सीलिंग का रेट भी बताता हूँ, और जो फ्रेम हमने लगाया ना इस प्लाट पे, आपको इसके फ्रेम का भी रेट बताता हूँ और इसका आइडिया भी दे देता हूँ। मैं जो मेन एंट्रेंस का वो गेट है हमारा, ये ड्राइंग रूम का गेट है। अब यहाँ पे ये बीम बीम जा रहा था, उन्होंने इसके ऊपर जो फॉर्चुनर लगवा के ना लाइन वाली सीटें लगवा दी सारी। ये टीवी लॉन्च है और ये इनका किचन है, नीचे टाइल लगी हुई है इसके। अब किचन इनका जो था ना, इन्होंने भी ये फोर सीलिंग के गोले लगे हुए हैं इसके ऊपर, किचन के ऊपर जितने भी आ रहे हैं, और सामने वाली साइड के ऊपर भी ऐसे है। अब इनके यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगेगी, उस हिसाब से इन्होंने ये अपना रूम तैयार करवाया। ये वॉल फ्रेमें लगी हुई है इसके ऊपर। जैसे ये गेट के ऊपर हो गया, ये भी एक फोर सीलिंग के गोले लगे हुए हैं। अब ये बेडरूम है, और ये दीवारों के ना पीवीसी वाली शीट लगवाई है उन्होंने, सारा फिल्म चढ़वा के ना सारी पीवीसी वाली शीट लगी थी। टोटल जितने भी कमरे हैं सामने, ये वॉशरूम हो गए, ये फॉल सीलिंग के डिजाइन हो गए वॉशरूम के, ये अलमारी का डिजाइन है। ये इनका ये दूसरा बेडरूम है, अभी खिड़की को बढ़ देखें डिजाइन। अभी सारी पीवीसी वाली सीटें, अब जो बीच में आपको इसकी गुलाई नजर आ रही है ना, ये लकड़ी का बना हुआ पीस है, ये फॉर सीलिंग का नहीं लगा हुआ, ये जाफी वाले ने लगाया है। इनका वॉशरूम है, ये फ्रेम का डिजाइन है, ये भी फ्रेम का डिजाइन हो गया हमारा। यही वाला जो जीना तैयार करते हैं ना फ्रेम को, हम 25,000 रुपये लेते हैं, ये वाला जीना पूरा तैयार करके देते हैं। वो ये फ्रेम के डिजाइन हो गए, सामने वाला हो गया, वो किचन की साइड पे, इनके ऊपर ये फोर सीलिंग के सारे पीस लगे हुए हैं। लकड़ी का नहीं लगवाए, उन्होंने फॉल्स सीलिंग के लगा दे आप। ये सामने वाले भी फॉल्स फ्रेम हो गए। अब ये अपन ने पूरी वॉल तैयार की, ये हमारा लॉन्च का डिजाइन है पूरा। ये गली जो नजर आ रही है, ये रोटर मशीन के साथ हमने झरी लगाई होगी, उसमें उन्होंने कंट्रास्ट कलर डाल दिए। और बेडरूम के सामने ये खाली दीवार जिन्होंने फ्रेम बना दिया ना, बड़ा ही आतंक और खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये बेडरूम हो गया, ये सारी पीवीसी का इसके ऊपर शीटें लगी हुई हैं। ये इनका वॉशरूम है,
सेकंड अब ये दूसरा बेडरूम है ऊपर का। अभी ये ना कि लेफ्ट सेवन के जान छोड़ के ना जैसे वो सेम आ रहा है ना बैठे टोन में भी फॉलो के ऊपर सारा सेम होता है। अभी ये खत्म हो गया सारा सिस्टम। अभी ये वॉशरूम का डिजाइन है, जैसे मैं सब वॉशरूम में फॉल सीलिंग लाजमी उन्होंने करवाई है। अब जैसे हमने ये वॉल तैयार की हुई है, ये भी 25,000 में तैयार होते पूरी वॉल। जैसे इसको ये मिला के ये सामने वाली ये दीवार वहां तक मिला के। ये मास्टर बेडरूम का डिजाइन है। अब उसकी दीवारें चेक करें। अब यहाँ पे भी फॉल सीलिंग की हुई है हमने। अब ये इनका वॉशरूम है। बड़ा खूबसूरत और प्यारा बना हुआ। ये बेसमेंट का जीना है हमारा। ये तो बेरी टाइम में सीपेज भी बहुत होते, अभी फ्लैट में रिहाइश नहीं हुई लेकिन सेम अभी से शुरू हो गया सारा बाहर की दीवारों पे भी। इसी वजह से इन्होंने इस दीवारों के ऊपर पीवीसी लगवा लिया सारी। ये नीचे का डिजाइन है। ये नीचे गली का डिजाइन हो गया। ये भी बेडरूम है। ये फॉल सीलिंग हमने बेसमेंट में की है, ये इसको डिजाइन दिखा रहा हूं मैं आपको। ये वाला जो बेडरूम है ना, ये सेल में बना हुआ है। सामने सारी सीढ़ियां, टेबलें लगेंगी, कुर्सियां लगेंगी, वहां पे बैठ के टीवी देखेंगे, वीडियोस देखेंगे।